हेलो गाइस, तो मेरा नाम पंकज। तो आज की वीडियो में जो कि हम सीखेंगे कि नोज, आइज और लिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इससे इस नोज और आइज ड्रॉ करने से हमको फेस का डायरेक्शन पता चलेगा कि किस तरह से नोज है, किस तरह से नोज को और आइज को ड्रॉ करते हैं, जो कि सिंपल मेथड से हम आप लोग का ड्रॉ करना सिखाऊंगा। तो देखिए किस तरह से मैं, तो हम पहले एक सर्कल लेंगे और उसके अंदर जो कि सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर एक और सर्कल लेंगे और इसके बीच जो कि हमारा एक और इसको हम डार्क करेंगे सिंपल मेथड से। जो बीच का एरिया हो उसको डार्क करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से आई गोल बना रहा हूँ। तो इसके अंदर जो कि डार्क रहता है और बहुत बारीकी से हम आपको समझाएंगे। और एक और गोला बनाएंगे सेम मेथड से और आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर एक गोला बनाकर उसको मैं डार्क करूंगा कि लाइक का आइस का जो कि किस तरह का बीच का गोला होता है और उसको डार्क करते रहेंगे। जो कि सिंपल तरीके से आपको बनाने का सिखाऊंगा और इसको डार्क करने के बाद और मैं इसको एक आईब्रो का आइस का जो ऊपर का रहता है वो कर रहे हैं और नीचे एक लाइन खींचेंगे और उसको आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आइस का, जो कि एक डायरेक्शन होता है। मैं किस सिंपल मेथड से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ एक और लाइन रहेगा और ये यहाँ पर एक वाइट सा रहता है, तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और बहुत आसान तरीक़ा से मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके ऊपर में एक आइस फॉल होता है जो कि हमारे आँखों के ऊपर रहता है आइस फॉल, आइस के नीचे एक और पल्व रहता है जो कि लाइन रहता है, तो इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको सिंपल से सिंपल मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि मैं ये देखिए मैं किस तरह से आइस का डायरेक्शन होता है उसका लाइन खींच रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइस, नोज, ये मैं किस तरह से इसका हैंडल कर रहा हूँ
और इस लाइन को किस तरह से आइस गोल के नीचे से मैं खींच रहा हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें और देखिए मैं किस तरह से इसको आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आइस फॉल होता है उसके ऊपर खींचेंगे और इसको मैं ड्रॉ करूँगा और इसको बताऊँगा किस तरह से आप आइस आसान तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, पूरे वीडियो को देखेंगे, अगर स्पीच करके देखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे कि किस तरह से आइस बनाते हैं। अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आइस नोच का आपको कोई बनाना बहुत आसान मेथड से आपको बनाने के सिखा रहा हूँ। तो वीडियो को स्पीच करके न भगाएं, तो आप स्पीच करके भगाएं तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो वीडियो को बारीकी से देखिए कि मैं किस तरह से आइस को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि सिंपल मेथड से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर एक वाइट वॉल्व होते हैं, जो कि आपको इसको डार्क करूँगा कि आपको आइस का एक डायरेक्शन पता चल जाए कि आइस कैसा होता है और रियलिस्टिक लगे। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि मैं किस मेथड से आपको आइस ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। अब जहाँ पर शेडो बन रहा है वहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर डार्क एरिया है किस तरह लाइट का फोकस पड़ रहा है आइस पर। तो उसको मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से आइस को ड्रॉ कर सकते हैं, कि मेन मैटर यही है, जो कि फेस का आइस नोज एयर्स। आप ये बनाने सीख गए तो आपका फेस बनाने का सीख जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही मैटर है कि आपको आइस बनाने का किस तरीके से आसान तरीका है, जो कि मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ आईब्रो। तो इसको मैं ड्रॉ करूँगा जहाँ जहाँ कि हाँ कि आइस लग रहा है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा डार्क एरिया है तो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, और आईब्रो जो कि किस तरह से होता है उसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग का इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं कि इस तरह के मुझे वीडियो चाहिए। तो आपके लिए मैं और से इससे भी आसान तरीके से लाऊंगा वीडियो कि आपको समझ में आए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि वो भी आइस नोज बनाना सीख जाए। तो देखिए मैं किस तरह से इस पर काम कर रहा हूँ, आइस की जो बीच का गोला होता है आईब्रो आइस गोल, तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको आइस का रिएक्शन दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आइस रहता है इस पर। मैं डार्क एरिया, जहाँ डार्क एरिया रहता है वहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ। तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा।
एक और मैं गोला सर्कल ले रहा हूँ, अब इसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में आइस बनाते हैं। इस गोले को सर्कल को डार्क करूंगा और मैं बताना चाहता हूं कि अलग अलग डायरेक्शन में मैं आइस को दिखाना चाह रहा हूं। इस एरिया को मैं डार्क कर रहा हूं कि जो आइस का बीच का होता है एरिया सीधा सा एक लाइन पर खींच रहा हूँ और आइस का डायरेक्शन कैसा होता है उसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरह से इस लाइन को खींच कर आइस तैयार कर सकते हैं जो कि सिंपल मेथड है। इसके ऊपर आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ। इस आइस का थोड़ा डायरेक्शन अलग है, अलग अलग शेप में आइस को ड्रॉ कर रहा हूँ। एक और गोला लूँगा और उसको आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप आइस को ड्रॉ कर सकते हैं सिंपल मेथड से। ये आइस को आधा हाफ कर और उसका आइस का जो नज़र होता है उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आइस का छोटा जो पल्ब होता है जो झुका हुआ था रहता है आइस नीचे की तरह, तो आपको वो दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और नीचे का भाग थोड़ा इतना वो रहेगा, वाइट रहेगा, तो आँख आइस जो झुका रहता है जो मैं नीचे हम लोग नीचे की तरह ताकते हैं तो वो आइस है। तो आपको दिखाने के चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में आइस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वीडियो को स्पीच करके देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो वीडियो को स्पीच करके न देखिए। इसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ कहाँ डार्क एरिया है, तो आपको ये कुल फोकस करना पड़ेगा और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा आइस बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो कि मैं सिंपल मेथड से बता रहा हूँ आइस बनाने का। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से मैं आइस को ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि फेस का मेन यही है आइस। वीडियो को स्पीच करेंगे तो आप आइस बनाना नहीं सीख पाएंगे। जो कि मैं सिंपल मेथड से आइस को ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ आप लोग को, कहाँ डार्क एरिया है, कहाँ लाइट कर रहा है, इसको आपको फोकस करना है। तो ये बात को आप फोकस करेंगे तो आइस का जो इतनी होता है वो रियलिस्टिक लगेगा, आइस जो बोलते हैं 3D।
जो बीच का जो ये रहता है उसको मैं कलर करूँगा। एक शेप बना रहा हूँ मैं आइस का, जो कि आपको रियल लगे। जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पर डार्क कर रहा हूँ, जहाँ पर लाइट एरिया है वहाँ पर लाइट एरिया कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आइस में आपको पलक झुका हुआ लग रहा है, जो कि ये आइस नीचे की तरह झुका हुआ है। तो अलग अलग डायरेक्शन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको सिंपल मेथड से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेस्टिक करना पड़ेगा। किस तरह से आई वॉल होता है उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको भी ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। ये आइस का अलग अलग डायरेक्शन है। आईब्रो थोड़ा शेडिंग कर लूँ, और आईब्रो जो होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि आईब्रो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कहाँ डार्क एरिया रहता है आईब्रो में। जो नीचे का पल्ब झुका हुआ है उसको भी आपको समझना पड़ेगा कहाँ डार्क एरिया है। तो ये आपको मायने रखता है। तो वीडियो को भगा कर मत देखिए। अब भगा कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम अभी बनाने जा रहा हूँ जो कि नोज। तो ऊपर की तरह मैं एक लाइन खींचूँगा और इसको इधर से एक और लाइन खींचेंगे, जो कि सिंपल तरीक़े से आपको नोज बनाने का बता रहा हूँ कि कोई भी आसानी तरीक़े से नोज बना सकता है। एक और लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद फिर इस तरह से मैं इसको लाइन खींचूँगा और यहाँ इस तरह से, और इसको इधर से, ओ एक नीचे से, कि मेरा नाइस नोच किस तरह से रहता है उसको आपको सिंपल मेथड से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको वीडियो भगा कर नहीं देखना है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से एक आपको ड्राइंग से रियलिस्टिक वीडियो मिलेगा, जो कि आसानी इस तरीके से आप यहाँ पर ड्राइंग बनाना, स्केचिंग करना,
सब सीख सकते हैं, कलर पेंटिंग करना। एक और लाइन खींचेंगे, आपको आसान तरीके से बताना चाहता हूँ कि किस तरह से, मैं उसको बार बार बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको करना है, इसको लाइन इस तरह से खींचना है। इसको इधर से इधर, यहाँ नीचे मेरा डार्क एरिया रहेगा, इधर से लाइन खींचेंगे। आपको सिंपल मैटर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोज किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर मेरा एक लाइन रहेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि नोज किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ मेरा डार्क एरिया पड़ेगा, इसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा लाइट एरिया है, नीचे की तरह डार्क एरिया है, यहाँ पर शेडिंग करना होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ डार्क एरिया है, कहाँ यहाँ थोड़ा इसको भी शेडिंग करना होगा। शेडिंग कर रहा हूँ तो आपको समझना होगा। ये मेरा लाइट एरिया है, तो मैं हाथ से इसको शेडिंग कर दूँ। यहाँ पर भी डार्क एरिया, मैं डार्क एरिया का कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रख कर चलना होगा किस तरह से नोज को ड्रॉ करते हैं। जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर लाइट एरिया है,
एक और नोच बनाएंगे। सीधा लाइन पारेंगे। इस वीडियो में आइस नोट बनाना सीखेंगे और अगले वीडियो में आपको लिप्स और एयर्स आपको बनाने का बताएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको लिप्स और एयर बनाने के सिंपल मेथड बताएंगे। तो इस नोच को मैं आपको अलग अलग डायरेक्शन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको इधर से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर मेरा डार्क एरिया है, इसको इधर से, तो आपको समझना पड़ेगा। इसको यहाँ से लाइन खींचेंगे, मेरा जहाँ लाइट पड़ रहा है वहाँ पर जो नोज का डायरेक्शन है, मेरा लिप्स यहाँ पर बन रहा है, तो उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर मेरा लिप्स बनेगा। यहाँ पर भी आईब्रो है तो यहाँ पर डार्क एरिया रहेगा आइस का, तो इसको डार्क कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन चला जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी इस नोज आइस बनाना सीख जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस टाइप का आपको ड्रोन चाहिए। मैं इस नोज पर काम कर रहा हूँ। जहाँ डार्क एरिया है वहाँ हम डार्क करेंगे। आपको सिंपल मैटर से बनाने का बताने का कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको लिप्स और ईयर्स ड्रॉ करने का बताऊँगा। अलग अलग डायरेक्शन में आपको नोज बनाने का कोशिश कर रहा हूँ बताने का कोशिश कर रहा हूँ।
तो वीडियो को एंड करते हैं और अगले भाग में आपको लिप्स और ईयर्स बनाने के बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं।